वेलकम टू स्कॉलर्स हब, इट्स मी अनु महेश्वरी। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हम लोग का एपी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को निकालना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी ए, एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी। सो देखो यहाँ पर ए तो हम लोग का ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए दिया हुआ है, 3, 2 में दिया हुआ है -5, इसमें है 1/3 एंड इसमें 0.6। बस हम लोग को निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सेकेंड टर्म ए टू माइनस फर्स्ट टर्म ए टी ए वन। हम लोग को यहाँ पर निकालना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है ए इक्वल 3, सो ए इक्वल 3 दिया हुआ है, और निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी ए टू माइनस ए वन, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म हम लोग का है 1, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है, माइनस 3। सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। 1 - 3 हो गया -2, सो फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। सो यहाँ पर भी निकालना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है हम लोग का -5, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है -1 माइनस फर्स्ट टर्म है हम लोग का -5, सो -1 माइनस माइनस प्लस 5, सो प्लस माइनस माइनस 5 में एक माइनस कर देंगे तो बचा 4, सो कॉमन डिफरेंस हो गया 4। ओके क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट टर्म हम लोग का है 1/3, कॉमन डिफरेंस फिर से हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड टर्म 5/3 माइनस, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म 1/3, 3 और 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो गया, 5 - 1, 5 - 1 है 4/3, सो कॉमन डिफरेंस हम लोग का आ गया 4/3, क्लियर। यहाँ पे फिर से हो गया फर्स्ट टर्म 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म हम लोग का है 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म में हम लोग का 0.6, सो 1.6 माइनस 0.6 होगा 1.1, सो ये हम लोग का आंसर। सो इस ये क्वेश्चंस में पूरा 4 क्वेश्चंस में हम लोग को दिया था कि हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म जो ऑलरेडी दिया हुआ था बस उसको लिखना था, ठीक है, और निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी, क्लियर। If you really enjoyed watching my channel, please like, share and subscribe so that I stay motivated and make many such videos. Thank you.